नमस्कार, मैं वहाँ हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक कविता है जो यूजी सेमेस्टर थर्ड के सिलेबस में लगी हुई है। मैं वहाँ हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञेय, और ये अज्ञेय क्यों उपनाम है इसके पीछे भी कहानी है, इसके पीछे भी कारण है। इनका जीवन काल 1911 से 1987 रहा है। अज्ञेय उपनाम इसलिए पड़ा, और उस समय हमारा भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर बरकरार थी, और ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, क्रांतिकारियों के बीच बम बनाने का भी काम किया करते थे, तो इस वजह से कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा, और वहाँ से ये रचनाएँ लिखकर अज्ञेय नाम से भेजते थे, वहीं से चल पड़ा अज्ञेय उपनाम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर इनका जन्म है, और ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हुए। आपको पता है प्रयोगवाद प्रगतिवाद के बाद का दौर है हिंदी साहित्य में। प्रगतिवाद 1936 से 1943 तक का समय सीमा को माना जाता है, और उसके बाद 1943 में तार सप्तक का संपादन होता है। तार सप्तक 1943, जिसका संपादक अज्ञेय ही होते हैं, और इसी तार सप्तक के प्रकाशन के बाद इसी तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। यह जो कविता है तार सप्तक, सप्तक से मतलब सात कवियों का समूह से है, और तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ, फिर इसके बाद दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, और चौथा सप्तक 1979 में। सभी सप्तक में सात सात कवियों का समूह था, और वे सभी कवि अलग अलग स्थान से, अलग अलग स्कूल से, अलग 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 कॉलेज से, और अलग अलग विश्वविद्यालय से आते थे। इस कविता में, यह जो कविता मैं वहाँ हूँ, उनकी काव्य संग्रह इंद्रधनु रौंदे हुए थे से लिया गया है, और इंद्रधनु रौंदे हुए थे का प्रकाशन है 1957। कविता के शीर्षक पर थोड़ी सी नज़र डाल लें तो मैं वहाँ हूँ, मैं से तो मतलब कवि का खुद से है, वहाँ से क्या मतलब, तो वहाँ से मतलब है वर्तमान और भविष्य के बीच, वर्तमान और भविष्य की सीमा रेखा पर कवि खुद को उपस्थित पाता है सेतु के रूप में। मैं वहाँ हूँ, वहाँ हूँ से मतलब वर्तमान और भविष्य के बीच सेतु के रूप में कवि खुद को उपस्थित पाता है, इसका मतलब यह है। यह कविता कहीं शर्मशीलों की साधना भी बनती है, तो कहीं कर्मवीरों की आस्था, कहीं मेहनत कसों की व्यथा को शब्द देती है, तो कहीं शोषित पीड़ित वर्ग की कथा भी कहती है। कभी अपने अस्तित्व को विलीन नहीं होने देता, इसलिए वहाँ और यहाँ होते हुए भी दूर रहता है, इसलिए ना तो जो है उसे स्वीकार करता है, और ना जो होगा उसके प्रति मोह है, वह तो बस है और होगा के बीच सेतु का काम करता है। कविता आस्था के साथ साथ निरंतर उठने की शक्ति है, व्यथा है तो व्यथा से मुक्ति का श्वास भी है। कविता कर्मवीरों की गाथा भी है और उनका अलिखित इतिहास भी है, किंतु यह सब होते हुए भी इनसे दूर रहकर अपनी अलग अस्तित्व का एहसास दिलाती है। वह दूर रहकर भी शून्य में बनने वाली सेतु ना होकर मानव से मानव को जोड़ने वाली सेतु है, कल्पना के पंख से कल्पना के पंख को जोड़ने वाली सेतु है, लेकिन याद रहे यह मात्र सेतु है, मानव को एक करने वाले समूह के अनुभव के मेहराबों पर खड़ा हुआ सेतु है। चीर परिवर्तनशीलता का गीत गाती, करारे तोड़ती मूर्ति बल खाती नदी को समेटने वाले सेतु है।
अपने संपूर्ण अस्तित्व को अलग पहचान बनाते हुए कविता सब में होते हुए भी सबसे दूर 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 है, नदी की द्वीप की तरह। तो चलिए चलते हैं कविता की व्याख्या पर और देखते हैं कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। दूर 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 मैं वहाँ हूँ, वहाँ हूँ से मतलब अभी बताया था, वर्तमान और भविष्य की सीमा रेखा पर। कहाँ हूँ तो वर्तमान और भविष्य की सीमा रेखा पर, पुल की भांति, सेतु की तरह। दूर 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 मैं वहाँ हूँ, यह नहीं कि मैं भागता हूँ, तो वहाँ हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वर्तमान से पलायन कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ वर्तमान को छोड़कर, इस सांसारिक जीवन को छोड़कर, इसका मतलब ये नहीं है। या नहीं कि मैं भागता हूँ, मैं सेतु हूँ, जो है जो होगा दोनों को मिलाता हूँ, जो है अर्थात जो वर्तमान में है और जो होगा भविष्य में जो होगा, दोनों को मिलाता हूँ, दोनों को मिलाने का काम करता हूँ, पुल के रूप में हूँ। और पुल का काम ही होता है, सेतु का काम ही होता है, इधर का उधर और उधर का इधर करना। नदी के इस पार को की चीज़ें या सामग्री या जीव जंतु को उस पार करना और उस पार की इस पार करना, सेतु के रूप में वर्तमान और भविष्य के बीच दोनों को मिलाता हूँ। मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, पर सेतु हूँ, इसलिए दूर 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 मैं वहाँ हूँ। सेतु हूँ इसलिए यहाँ से दूर 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 मैं वहाँ हूँ। यह जो मिट्टी गोड़ता है, कोदई खाता है और गेहूँ खिलाता है, उसकी मैं साधना हूँ। देखिए, कभी वर्तमान में है तभी तो वर्तमान की स्थितियों का इनको अंदाज़ा है और वर्तमान की स्थितियों पर ये विचार कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। कह रहे हैं यह जो मिट्टी गोड़ता है, किसान की बात कर रहे हैं, जो मिट्टी कोड़ता है, हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, खेत में काम करता है, अथक परिश्रम करता है और फसल उगाता है, उसकी बात कर रहे हैं। यह जो मिट्टी गोड़ता है, कोदई खाता है और गेहूँ खिलाता है, उसकी मैं साधना हूँ। किसानों की एक मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। क्या मजबूरी है? तो खेत से फसल लाएंगे, खेत से कुछ भी लाएंगे, बाड़ी से कुछ भी तोड़कर लाएंगे, तो उसमें जो खराब खराब होता है वो घर के लिए रखते हैं और अच्छा अच्छा चीप एंड बेस्ट मार्केट लेकर जाते हैं बाज़ार, और उसको बाज़ार में बेचते हैं, लोगों को देते हैं और खुद ख़राब घर में खाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको शौक नहीं, उनको ख़राब ही खाना पसंद है, लेकिन मजबूरी है। ख़राब लेकर जाएंगे तो बिकेगा नहीं बिकेगा, बिकेगा भी तो पैसा कम मिलेगा, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। देखिए, कोदई खाता है, कोदई धान का एक प्रकार होता था, अब नहीं होता, अब तो बदल रहा है। पहले मड़ुआ होता था, अभी भी होता है, बहुत कम, रेयर, कहीं कहीं। मक्का अभी भी चल रहा है लेकिन कम होता जा रहा है। गोंदली होता था, उसका भी भात बनता था, तो कोदई उसका भात बनता था और वो खाता है, गेहूँ खिलाता है, खुद कोदई का चावल खाता है जो सस्ता होता है और गेहूँ खिलाता है, अच्छा खिलाता है, लोगों को बाज़ार में बेचता है, जो बढ़िया फसल है उसको, उसकी मैं साधना हूँ। कभी कह रहे हैं उसकी मैं साधना हूँ, उसकी मैं पूजा हूँ, उसकी पूजा को मुझे सलाम, मेरा सलाम है,
उसकी कर्म, उसकी मेहनत, उसके परिश्रम को मेरा सलाम है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी गाथा कह रहा हूँ। वर्तमान में हूँ तभी तो कह रहा हूँ, और मुझे भविष्य की चिंता है। इस वर्तमान की स्थिति से मुझे भविष्य की चिंता है कि वर्तमान नहीं सुधरेगा तो भविष्य में और स्थिति बिगड़ेगा, इसलिए वर्तमान में बदलाव होनी चाहिए। कभी को चिंता है भविष्य से, वर्तमान में सुधार नहीं होगा तो भविष्य में और भी विकट स्थिति आने वाली है, उसकी मैं आस्था हूँ। यह जो मिट्टी फोड़ता है, मड़िया में रहता है और महलों को बनाता है, देखिए मजदूर की बात कर रहे हैं, मिट्टी फोड़ता है, मड़िया में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, बढ़िया घर नहीं रहने के लिए, महलों को बनाता है और महल बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, उसकी मैं आस्था हूँ। क्या करे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है, टाइल्स लगाता है, मार्बल लगाता है, बिछाता है, लेकिन उसमें रहता नहीं है, कहाँ से रहेगा, बस काम करता है, मजदूरी करता है, उसमें उनका बनाने का काम है बस, और फिर झोपड़ी में रहने का उनके लिए झोपड़ी है, पर्याप्त है। या जो मिट्टी फोड़ता है, मड़िया में रहता है और महलों को बनाता है, उसकी मैं आस्था हूँ, उसकी बात कर रहे हैं। या जो कज्जल पुता खानों में उतरता है, अब देखिए कज्जल पुता खानों में उतरता है से तात्पर्य कोयले की खदान से है, जहाँ पर कालिक ही कालिक है, चारों तरफ काला डस्ट उड़ रहा है, पूरा आसपास अंदर गुफा में, कोयले की खदान, जमीन के नीचे नीचे गुफा बनाया हुआ, पूरा दूर तक सुरंग होता है, खोखला जमीन, नीचे कोयले काट कर निकालते हैं लोग, झोड़ा से ढोते हैं, और बड़ा भयावह स्थिति वाला जगह है। मतलब वहाँ से ऊपर से कुछ चट्टान अगर कोयला का गिर जाए या पत्थर का गिर जाए तो आदमी दबकर मर जाए, या धस जाए धरती तो उसका जीवन लीला वहीं समाप्त। उस स्थिति में घुसकर वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, पैसा कमाकर भरण पोषण करते हैं, अपना जीवन पालते हैं, रोजी रोटी है वहीं। यह जो कज्जल पुता खानों में उतरता है, पर चमाचम विमान को आकाश में उड़ाता है, और उसी के कोयले से चमाचम विमान आकाश में उड़ता है, कैसे, फैक्ट्री में काम करता है, उसका कोयला काटा हुआ फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ पर वो जो जहाज का कल पुर्जा बनता है उस फैक्ट्री में, उसके निर्माण के वस्तुएं बनता है, गलाया जाता है उसकी धातु को, और उसको उस शेप में गलाकर सांचे में ढाला जाता है, तभी तो हो पाता है कोयले की मदद से, उसके ताप से, कभी का ये तात्पर्य है। पर चमाचम विमानों को आकाश में उड़ाता है, यह जो नंगे बदन दमसाद पानी में उतरता है, देखिए गोताखोर की बात कर रहे हैं, नंगे बदन दम साध कर, सांस पर नियंत्रण पाकर, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर समुद्र में नीचे उतरता है, गोता लगाता है मोती लाने के लिए। सोहनलाल द्विवेदी के एक प्रसिद्ध कविता है, उसकी पंक्ति याद आ रही है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना विश्वास इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उनकी कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता। इस कविता को बहुतों ने हरिवंश राय बच्चन का माना है, लेकिन ये वास्तव में सोहनलाल द्विवेदी का है। तो वो जो दम साध कर नीचे पानी में उतरता है, समुद्र में उतरता है, और बाज़ार के लिए पानीदार मोती निकाल लाता है, और बाज़ार के लिए पानीदार मोती निकाल लाता है, वो अपने लिए नहीं, बाज़ार के लिए, अमीरों, अमीर लोगों के लिए, जिसके पास रुपया है वो उसकी मोती को ख़रीदता है, वो मतलब जीवन दांव पर लगा कर जाता है पानी में, उस गहरे समुद्र में उतरता है,
उस तय सीमा में अगर हाथ लग गया कुछ तो ठीक, और नहीं तो फिर उसी तय सीमा में उसको बाहर भी आना है, नहीं तो उसके जीवन को खतरा है, क्योंकि सीमित मात्रा में उसके पास ऑक्सीजन है। अगर वो देरी करेगा वहाँ पर, लालची करेगा, तो उसकी जीवन लीला समाप्त, वो जीवन दांव पर लगा कर जाता है, और कई बार तो खाली हाथ लौट कर आता है और बाजार के लिए चमकदार मोती निकाल लाता है, बाजार के लिए, अपने लिए नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। चमकदार पानीदार मोती निकाल आता है, पानीदार का मतलब होता है चमकदार। रहीम की दोहा है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी का कई अर्थ हो रहा है, उसमें से एक होता है चमक, पानी का एक अर्थ चमक से भी है। जैसे इंसान के लिए वहाँ पर प्रतिष्ठा, इज्जत और प्रतिष्ठा पानी का अर्थ होता है, वहीं पर मोती के लिए चमक, कांति से, आभा से उसका तात्पर्य है, और चून के लिए वही जो पानी का सरल अर्थ होता है, जल पानी, उसी के अर्थ में। तो बाजार के लिए चमकदार मोती निकाल लाता है। यह जो कलम घिसता है, चाकरी करता है पर सरकार को चलाता है, उसकी मैं व्यथा हूँ। देखिए मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं, यह जो कलम घिसता है, सरकारी कर्मचारी, लिखा पढ़ी, बही खाता, उसकी बात कर रहे हैं, वो करने वाले की बात कर रहे हैं। या जो कलम घिसता है, चाकरी करता है, चाकरी करता है मतलब नौकरी करता है सरकार के अंडर, सरकार की नौकरी करता है, सरकार की चाकरी करता है पर सरकार को चलाता है, और उसी के, उस चाकरी के वजह से सरकार चल पाती है व्यवस्थित तरीके से। प्रशासन में लगे हुए लोग, वकील, इंजीनियर, शिक्षक वगैरह वगैरह जो भी हैं, सरकारी तंत्र के एक हिस्से हैं, और इनके काम करने से ही सरकार की, सरकार सुचारू रूप से चल पाती है, तो उनकी बात कर रहे हैं। अब मध्यवर्ग की एक परेशानी है, परेशानी क्या है ना कि मध्यवर्ग एक ऐसा वर्ग है जो ना तो गरीबों की तरह जीवन शैली अपना सकता है, गरीबों की तरह जी सकता है। अगर पैसा नहीं है तो गरीब क्या करते हैं, पैसा नहीं है तो निकल जाएंगे मजदूरी करने के लिए, कुछ भी दिहाड़ी के लिए निकल जाएंगे और शाम की भोजन जुटा लेंगे। लेकिन मध्यवर्ग के पास अगर पैसा नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, और ना तो वो पूंजीपतियों की बराबरी कर सकते हैं, उतना पैसे ही नहीं उनके पास। लेकिन दिखावे का जीवन है उनके पास, दिखावटीपन अधिक है मध्यवर्ग के पास। पैसा नहीं है तो कर्ज पर पैसा लेके काम करेंगे, दिखावा करेंगे, जो व्यर्थ की काम है उसको भी करेंगे। तो कभी कह रहे हैं, यह जो कलम घिसता है, चाकरी करता है पर सरकार को चलाता है, उसकी मैं व्यथा हूँ। या जो कचरा ढोता है, कचरा ढोने वाले की बात कर रहे हैं, ढोने वाले की बात कर रहे हैं। या जो झल्ली लिए फिरता है और बेघरा घूरे पर सोता है, कचरा ढोने के लिए वो अपने पास झल्ली लिए फिरता है, जिसमें वो कचरा इकट्ठा करके प्लास्टिक वाला या फिर जो भी कूड़ा फेंका जाता है वहाँ से, कुछ भी वैसी जो रिसाइकल हो सके, उन सामग्रियों को चुनकर अपने थैली में डालता है, बोरा बड़ा सा होता है उसमें से। तो वो जो झल्ले लिए फिरता है और बेघरा घूरे पर सोता है, बेघरा है, घर उसका है नहीं, तो कहाँ सोएगा, घूरे पर सोता है। घूरे का मतलब गंदगी, गोबर, गंदगी, जहाँ मिल गया जगह सो लिया, बेघरा घूरे पर सोता है। या जो गधे हाँकता है, देखिए गधे हाँकता है, भेड़ हाँकने वालों को गडेरिया कहते हैं, गधे हाँकने वालों को गधा हाँकने वाला बोलेंगे, मवेशी, मवेशी को चराने वाला, सबकी बात कर रहे हैं। या जो गधे हाँकता है, या जो तंदूर झोंकता है, तंदूर झोंकता है चूल्हा झोंकता है, या जो कीचड़ उलीचती है, कीचड़ उलीचती है, नाली नाली साफ करती है,
या जो मनियार सजाती है, मनिहार, मनियार समझते हैं, मनियार होता है मनिहारी सामान, जो चूड़ी, कंघी, ऐनक, बिंदिया, लिपस्टिक इत्यादि जो सामान लेकर, अब तो शॉपिंग मॉल हो गया, अब तो दुकानें खुल गई, पहले अभी भी चल रहा है, पहले अधिकांश ऐसा ही होता था, वो दौरा में अपना सामग्री सजाती थी और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव घूमती थी बेचने के लिए, मनियारी बेचने के लिए। तो यह जो मनियार सजाती है, यह जो कंधे पर चूड़ियों की पोटली लिए गली गली झांकती है, चूड़ियों की पोटली लिए गली गली झांकती है कि कहीं कोई ग्राहक मिले, मेरा कुछ बिक्री हो जिससे मेरी आजीविका चले, यह जो दूसरों का उतारन खींचती है, धोबिन की बात कर रहे हैं, दूसरों की उतारन मतलब दूसरे की कपड़ा उतार कर रख देता है और उसको धोबी या धोबिन ले जाती है, उसको साफ करके, स्त्री करके फिर वापस ला देती है, उसकी बात कर रहे हैं। यह जो दूसरों की उतारन खींचती है, यह जो रद्दी बटोरता है, रद्दी बटोरता है, वही बेचिए लोहा टीना जूता चप्पल वाला, यह जो पापड़ बेलता है, पापड़ बेलता है, बीड़ी लपेटता है, बीड़ी बनाने वाला, वर्क कूटता है, उसकी मसाला कूटने का काम, धौंकनी फूंकता है, धौंकनी लोहार के यहाँ वो धौंकनी होता है, एक तो ऐसे वाला होता है, एक ऐसे वाला होता है जिससे हवा मारता है, वहाँ पे आग बहुत तेज़ी से जलता है जिससे लोहा गर्म होकर लाल हो जाता है पूरा, और वो अपने हिसाब से लोहार उसको बनाता है, जो भी उसको सामग्री चाहिए, जो भी चीज़ बनाना है लोहा से, वो पीट पीट कर बनाता है। तो वो धौंकनी फूंकता है, कलई गलाता है, लोहे को गलाता है, रेढ़ी ठेलता है, रेढ़ी ठेला वाला, खोमचा वाला, फुचका वाला, समोसा चाट वाला, रेढ़ी ठेलता है, चौका लिपता है, चौका लिपने वाला, और चूल्हा लिपने वाला की बात कर रहे हैं, बासन मांजता है, बर्तन मांजने वाले की बात कर रहे हैं, ईंटे उछालता है, मजदूर की बात कर रहे हैं, रुई ढूंढता है, वो तकिया रजाई बनाने वाले की बात कर रहे हैं, गारा सानता है, गारा का मतलब गिलावा, जो मिट्टी का गिलावा बनता है जिससे भी दीवार जुड़ता है, अब तो सीमेंट से जुड़ने लगा, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जुड़ता है, और पहले मिट्टी का घर बनता था, तो उस मिट्टी का घर बनाने के लिए वो मिट्टी ही गूंथा जाता था, साना जाता था, वही है गारा सानता है, खटिया बुनता है, गांव में खटिया चलता था और चलता है भी, अभी बहुत कम हो रहा है, अब तो उसका जगह पलंग ले रहा है, शहर में तो ये बहुत ही कम मिलेगा देखने के लिए, लेकिन गांव में मिल जाएगा अभी भी, खटिया बुनता है, मशक से सड़क सींचता है, मशक होता है पानी ढोने का एक पात्र सामग्री, जिससे सड़क सींचता है, मजदूर सड़क सींचता है, मशक का अंधेर नगरी चौपट राजा में आया था चित्रण, जो वो उसका जो बाउंड्री वाल गिर जाता है, बकरी दबकर मर जाती है, वो शिकायत लेकर राजा के पास जाता है और बताता है कि देखिए वो मिस्त्री के वजह से मेरा नहीं उसकी दीवार गिरने के वजह से मेरा बकरी दबकर मर गई, उसको सजा दीजिए। तो वो दीवार का मालिक कहता है कि मिस्त्री के वजह से हुआ, मिस्त्री कहता है कि मशक से पानी लाने वाला की वजह से हुआ, तो मशक वाला बताता है कि क्या करूं महाराज, ये कम पैसे में बड़ा गडेरिया दे दिया मेरे को, तो उससे उसका चमड़ा बड़ा निकला, तो उससे मशक बड़ा बन गया, जिसके वजह से वो पानी अधिक आ गया, तो मैं क्या करूं। इस तरह से होते होते वो राजा खुद अंतिम में फांसी पर चढ़ता है अपने से, और उसका जीवन लीला समाप्त होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये अंग्रेजी व्यवस्था पर एक करारा तीखा व्यंग है इस प्रहसन में, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा में। तो वो मशक से सड़क सींचता है, उसकी बात कर रहे हैं, सड़क सींचता है, धूल उड़ रहा है या फिर सड़क के किनारे कुछ कुछ लगा हुआ है, तो उसको सींचने का काम।
रिक्शा में अपना प्रतिरूप लादे खींचता है। रिक्शा में बैठाकर अपने ही जैसा व्यक्ति, प्रतिरूप का मतलब अपने ही तरह का व्यक्ति लाद कर एक तरह से उसको खींचता है, ले जाता है एक जगह से दूसरे जगह। रिक्शा वाला के बात कर रहे हैं, जो भी जहाँ भी पिसता है पर हारता नहीं न मरता है, जो भी जहाँ भी श्रमरत है, कर्मरत है, मेहनत कर रहा है पर हारता नहीं न मरता है, हारता नहीं है, अथक परिश्रम में है और मरता भी नहीं है, डरकर आत्महत्या भी नहीं कर लेता है, चल रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई, मशक्कत कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, पीड़ित श्रमरत मानव पीड़ित है, श्रमरत है, मेहनत में रत है, हर समय मेहनत कर रहा है। अभिजित दुर्जय मानव, अभिजित का मतलब जिसको, जिस पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता, अभिजित दुर्जय जिसको जीता ना जा सके, अभिजित दुर्जय मानव, कम कर कर्म करने वाला, श्रम कर श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, शिल्पी शिल्पकार जो नक्काशी करता है, डिजाइन करता है, जैसे बिल्डिंग बन गया तो उसमें डिजाइन करना है, प्लास्टर हो रहा है तो उसमें डिजाइन निकालना है, शिल्पी सृष्टा निर्माण करने वाला, उसकी मैं कथा हूँ, इन सारे लोगों की मैं कथा हूँ, कवि ये कह रहे हैं, उनकी मैं व्यथा हूँ, उनकी मैं कथा हूँ, उसकी स्थिति का, उसकी अथक परिश्रम का, उसकी मेहनत का मुझे उनसे गहरी संवेदना है। दूर 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 मैं वहाँ हूँ, या नहीं कि मैं भागता हूँ, मैं वहाँ हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैं वर्तमान से पलायन कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, कहाँ भाग रहे हैं। तो इतने सारे जो पीड़ित है, जो श्रमरत है, जो जिसका जितना जिस तरह का मेहनत है उस तरह का उसको श्रमिक नहीं मिल पा रहा है, उसका उस तरह का जो परिश्रमिक होता है, पारिश्रमिक होता है, वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी मैं कथा हूँ, कहाँ मैं भाग रहा हूँ, मैं वर्तमान की स्थितियों का चित्रण कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और इस स्थिति में सुधार होनी चाहिए। दूर 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 मैं वहाँ हूँ, या नहीं कि मैं भागता हूँ, मैं सेतु हूँ जो है और जो होगा, दोनों को मिलाता हूँ, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में होगा, इन दोनों को मिलाता हूँ, पर सेतु हूँ इसलिए दूर 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 मैं वहाँ हूँ, सेतु हूँ इसलिए मैं दूर दूर दूर, वर्तमान से थोड़ा दूर, भविष्य थोड़ा नज़दीक, मतलब वर्तमान और भविष्य के बीच सेतु हूँ, किंतु मैं वहाँ हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, वहाँ हूँ, सेतु पर हूँ, सीमा रेखा पर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ नहीं हूँ, वर्तमान में नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी है। अगर नहीं होते वर्तमान में तो कहाँ से इतना चित्रण कर पाते। मैं दूर हूँ जो है और जो होगा, उसके बीच सेतु हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जो है उसे मैंने स्वीकार कर लिया है, मतलब जैसी स्थिति है उसको मैं वैसे ही अपना लिया हूँ, वैसे ही मान लिया हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे उसमें परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव की आकांक्षा है कभी, तो ऐसा नहीं कि मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। मैं आस्था हूँ तो मैं निरंतर उठते रहने की शक्ति हूँ, अगर मैं आस्था हूँ तो निरंतर उठते रहने की शक्ति हूँ, मतलब जो स्थिति है उसमें बदलाव चाहिए मुझे, जो खराब स्थिति है उसमें सुधार चाहिए। मैं व्यथा हूँ तो मैं मुक्ति का श्वास हूँ, अगर मैं व्यथा हूँ, मैं व्यथित लोगों की कहानी कह रहा हूँ,
तो उससे उसकी छुटकारा कैसे हो, इसमें उस उसमें उसकी बदलाव कैसे हो, उसमें परिवर्तन कैसे हो, जो खराब स्थिति चल रही है उसमें बदलाव कैसे हो, मैं इसकी आकांक्षी हूँ, मुक्ति का श्वास हूँ, मैं गाथा हूँ तो मैं मानव का अलिखित इतिहास हूँ। कई सारे मानव आए जो इस तरह के जीवन जीकर अथक परिश्रम से अपने को मिटा दिया और चल बसे। उन अलिखित मानव का मैं इतिहास हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं साधना हूँ तो मैं प्रयत्न में कभी शिथिल ना होने का निश्चय हूँ। अगर मैं साधना हूँ तो प्रयत्न में, कोशिश में कभी शिथिल का मतलब थकना, ना थकने वाला हूँ। हमेशा प्रयत्नरत रहूँगा इस स्थिति में सुधार के लिए। मैं संघर्ष हूँ जिसे विश्राम नहीं, संघर्ष हूँ तो विश्राम इसको है नहीं, संघर्ष हूँ मुझे विश्राम चाहिए नहीं। संघर्ष और विश्राम दो अलग चीज़ें हैं। संघर्ष करने वाला विश्राम नहीं करता, नहीं करना चाहता। मैं संघर्ष हूँ जिसे विश्राम नहीं, विश्राम की आवश्यकता नहीं मुझे, लड़ता रहूँगा जब तक ये स्थिति बदल ना जाए, जब तक ये बुरा स्थिति सुधर ना जाए। जो है मैं उसे बदलता हूँ, जो है उसे मैं बदलता हूँ। जो मेरा कर्म है उसमें मुझे संशय का नाम नहीं। कभी का कर्म क्या है, लिखना, और उसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। मेरा कर्म है लिखना, कभी कह रहे हैं मेरा कर्म है लिखना, इसमें संशय का कोई नाम नहीं, नो डाउट। मैं बस लिखता रहूँगा, कलम अपनी चलाता रहूँगा, जो कुछ भी मुझे गड़बड़ दिखेगा उस पर कलम चलाऊँगा, उसमें सुधार मैं चाहूँगा, मेरा प्रयत्न रहेगा उस गड़बड़ी को दिखाना और उसमें सुधार की गुंजाइश को देखना। वह मेरा अपनी सांस सा पहचान है, मेरा लिखना ही मेरा सांस सा पहचान है। जब तक ये सांस चलेगी, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं अपना काम अथक निरंतर चलाता रहूँगा, अपनी कलम चलाता रहूँगा। लेकिन घृणा से मुझे काम नहीं। मैं किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि मैंने डर नहीं जाना है। बेखौफ हूँ, निडर हूँ, डर मैं जानता नहीं, किसी से डरता हूँ नहीं। कभी ये कह रहे हैं मैं अभय हूँ, मतलब भय मेरे पास है नहीं। मैं भक्ति हूँ, मतलब पूजा हूँ। मैं जय हूँ, विजय हूँ, जीत हूँ। दूर 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 मैं सेतु हूँ, दूर 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 मैं सेतु हूँ, वर्तमान और भविष्य के बीच पुल हूँ। किंतु शून्य से शून्य तक का सतरंगी सेतु नहीं, वो वाला सेतु नहीं जो लोग सांसारिक जीवन छोड़कर कमंडल उठाकर चल जाते हैं हिमालय, और वहाँ आसन पालथी मारकर वो सतरंगी सेतु, वो जो अपनी सात चक्रों पर साधना करते हैं, अथक साधना, और अपने इष्ट को प्राप्त करने की भरपूर प्रयास करते हैं, वो वाला नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये संसार में रहकर ही सांसारिक गड़बड़ियों को सुधारने का काम करने वाला हूँ, इनका ये मतलब है। किंतु शून्य से शून्य तक का सतरंगी सेतु नहीं। उस सतरंगी क्या है? वही सात चक्र जो मनुष्य का माना जाता है, रीढ़ की हड्डी की सबसे निचली हिस्सा में मूलाधार चक्र है, उसमें साधक पहले उसकी साधना करता है, फिर उससे ऊपर आता है तो अधिष्ठान चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, उसकी साधना
उसके बाद उससे ऊपर थोड़ा सा नाभि के सेंटर में, वो नाभि नहीं, उसका जो मेन ट्रैक है, रास्ता है, वो ये रीढ़ की हड्डी है, पूरा नीचे से ऊपर तक सातों चक्र इसी में अवस्थित है। तो नाभि के करीब में जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर मणिपुर चक्र है, उससे ऊपर अनाहत चक्र है, उसके ऊपर यहाँ कंठ पर वो कौन सा चक्र भूल रहा हूँ, उससे ऊपर यहाँ पर दोनों नेत्रों के बीच, दोनों भ्रुकुटी के बीच में जहाँ पर शिव भगवान का त्रिनेत्र आज्ञा चक्र, यहाँ पर उसके ऊपर जहाँ पे सेठी लोग एंटीना छोड़ते हैं जो टकला हो जाते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ से बाल निकल जाता है मेन, जहाँ पर एक घुमावदार होता है वहाँ एंटीना, ताकि वो संपर्क बना रहे अपने इष्ट से। तो वहाँ पर सबसे अंतिम में और सहस्त्रार्ध चक्र होता है, जिसको शून्य चक्र भी कहते हैं। कबीर वहाँ तक पहुँच कर वहाँ से फिर वापस आ गए सांसारिक जीवन में। तो उस सेतु की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु शून्य से शून्य तक का सतरंगी सेतु नहीं, तो कौन सा सेतु? वह सेतु जो मानव से मानव का हाथ मिलने से बनता है, प्रेम वाला सेतु, मानव से मानव का हाथ मिलने से बनता है वो वाला सेतु, जो हृदय से हृदय को, जो उसके हृदय से मेरे हृदय को, श्रम की शिखा से श्रम की शिखा को, कल्पना के पंख से कल्पना के पंख को। अब देखिए, वो जो योगी पालथी मारकर बैठेगा और साधना करेगा सांसारिक जीवन को छोड़ करके, तो उसके पास वो अपना इष्ट का इष्ट की साधना करेगा, जो अमूर्त है जिसको हम देख नहीं सकते, तो वहाँ पर ना तो उसको बहुत दिखेगा, लेकिन बहुत समय बाद, बहुत कठिन तपस्या के बाद, उसमें ना वो उसका मूर्त रूप देख पाएगा, ना उसमें वो अपनी तरह कल्पना देख पाएगा, ना कुछ मतलब। और यहाँ पर ये जो कवि कहना चाह रहे हैं, मानव से मानव के हाथ मिलने से जो बनता है, वो अपने ही तरह, जिस तरह से मेरे अंदर कल्पनाएं हैं, ठीक उसी प्रकार उसके अंदर भी कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इस तरह की बात जो कर रहे हैं। जो हृदय से हृदय को, श्रम की शिखा से श्रम की शिखा, मैं भी अगर मेहनत करता हूँ तो वो भी मेहनत करेगी या करेगा, कल्पना के पंख से कल्पना के पंख को, मेरे अंदर कल्पनाएं हैं तो उसके अंदर भी कल्पनाएं हैं, विवेक की किरण से विवेक की किरण को, बुद्धिमता, मेरे अंदर अगर कोई बुद्धि है तो वो भी बुद्धि से कुछ, मैं अगर कुछ बुद्धि से करना चाहता हूँ तो वो भी करना चाहती है, बुद्धि के किरण को, अनुभव के स्तंभ से अनुभव के स्तंभ को मिलाता है, जो मानव को एक करता है, समूह का अनुभव जिसकी मेहराबे हैं, और जन जीवन की अजस्त्र प्रवाहमय नदी जिसके नीचे से बहती है, मुड़ती, बल खाती, नए मार्ग फोड़ती, नए कगारे तोड़ती, ये मानव से मानव के मिलने से होता है, जीवन का नया स्रोत फूट निकलता है, नई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, मूर्ति बल खाती, नए मार्ग फोड़ती, नए कगार। आप देख रहे होंगे कि ये जो मानव सभ्यता जब से चल पड़ी है, तब से निरंतर विकास करते जा रही है, नए नए टेक्नोलॉजी आती जा रही हैं, मतलब मानव का जीवन स्तर हमेशा ऊंचा उठता जा रहा है, और भी इंसानी जीवन लेटेस्ट बनता जा रहा है, और भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, जन जीवन की अजस्त्र प्रवाहमय नदी जिसके नीचे से बहती है, मूर्ति बल खाती, नए मार्ग फोड़ती, नए कगारे तोड़ती, चीर परिवर्तनशीला सागर की ओर जाती, मैं वहाँ हूँ दूर दूर दूर। और इसी के साथ ये कविता यहीं समाप्त होती है। दिल्ली बस में 20 सितंबर 1954 को इस कविता को इन्होंने एक बस में ही लिखा था। आशा करता हूँ आपको ये व्याख्या समझ आई होगी, और कुछ
पूछना चाहें, जो नहीं समझ में आया आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलूँगा फिर अगले टॉपिक के साथ।